मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भारत के कप्तान रहाणे ने अपने टेस्ट करियर का 12वां शतक जमाकर सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाए गए 20 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। टेस्ट क्रिकेट में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बतौर भारतीय कप्तान शतक जमाने वाले रहाणे अब दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। रहाणे से पहले ये कारनामा साल 1999 में सचिन तेंदुलकर ने किया था। 1999 में मेलबर्न में खेले गए टेस्ट मैच में बतौर कप्तान सचिन ने खेलते हुए 116 रन की पारी खेली थी। तेंदुलकर द्वारा बनाया गया ये रिकॉर्ड 21 साल से नहीं टूटा था। आखिरकार रहाणे ने साल 2020 में इस मैदान पर बतौर कप्तान खेलते हुए शतक जमाया और इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले का कारनामा दूसरी बार किया है। वहीं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले का कारनामा तेंदुलकर ने 1999 में किया था। इसके बाद 2003 में वीरेंद्र सहवाग ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ा था। विराट कोहली ने 2014 के बॉक्सिंग टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सैकड़ा जमाया था। वहीं 2014 में रहाणे ने 147 रन की पारी 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। वहीं 2018 में पुजारा ने इस कारनामे को अंजाम दिया था। वहीं दूसरी बार रहाणे ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक ठोका है। वहीं अजिंक्य रहाणे भारत की तरफ से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 2 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये 100वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत के खिलाफ 100 टेस्ट मैच खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया दूसरी टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। बता दें कि रहाणे कार्यवाहक कप्तान के तौर पर ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। रहाणे की कप्तानी को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।